हेलो गाइस वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू अभी डॉ मैनिपुलेशन का एक बेसिक सा डेमो देखने के बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं कुछ एक्सटेंसिव सेट ऑफ इवेंट्स के बारे में फॉर एग्जांपल यहां पे इफ़ यू ऑब्जर्व जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने बेसिकली तीन इवेंट्स और इवेंट हैंडलिंग के एग्जांपल्स डेमोस्ट्रेट किए थे क्लिक इवेंट माउस एंटर इवेंट और माउस लीव इवेंट एंड ऑल ऑफ दीज थ्री इवेंट्स आर रिलेटेड टू योर माउस ओनली लेकिन इसके अलावा कई सारे और इवेंट्स हैं जो एक यूजर परफॉर्म करता है अपने यूजर इंटरफेस के साथ और उन्हीं सारे इवेंट्स को इस वीडियो के अंदर हम हैंडल करना सीखेंगे नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द एक्सटेंसिव सेट ऑफ इवेंट्स तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है इस डेमो इस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा साइन अप फॉर्म बना के रखा है नेम ई मेल फोन जेंडर एज एंड सबमिट बटन और उसके लिए मैंने एक मतलब एक एस फाइल के अंदर ऑब्वियसली सारा का सारा कोड है और दूसरे एच का मार्कअप और सी का कोड है और दूसरे फाइल के अंदर जे फाइल के अंदर मैंने कुछ सिलेक्टर्स का इस्तेमाल करके जिसका डेमो हमने पिछले वीडियो में देखा था तो so, सिलेक्टर्स का इस्तेमाल करके मैंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स भी इनिशियलाइज करके रखे हैं अभी यहाँ पे एक सिलेक्टर ऐसा है जो आपके लिए नया है वी हैव ऑलरेडी सीन गेट इलेवेंट बाय आईडी सिलेक्टर मगर यहाँ पे गेट इलेवेंट बाय नेम नाम का एक सिलेक्टर है अभी ऐसा मैंने क्यों किया वाई एम सिलेक्टिंग समथिंग बाय इट्स नेम सो उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर एच सेक्शन में समझा पाऊँगा यहाँ पे बेसिकली है क्या यहाँ पे इनपुट टैग्स हैं हर एक इनपुट टेक्स्ट इनपुट के लिए ईमेल नंबर इनपुट के लिए और एज के लिए सिलेक्ट टैग है लेकिन हमारे जेंडर इनपुट के लिए यहाँ पे मैंने रेडियो बटन्स का इस्तेमाल किया है और रेडियो बटन्स के मामले में uh, मैंने क्या किया है कि तीनों रेडियो बटन्स को नेम सेम रखा है सो नेम सेम रखने के कारण आई एम एबल टू चूज वन रेडियो बटन एट अ टाइम अदरवाइज होता क्या है अगर मैं नेम प्रॉपर्टी अगर अलग अलग दे दूँ हर एक रेडियो बटन को तो सारे रेडियो बटन में सिलेक्ट कर सकता हूं अभी अभी क्या हो रहा है मैं एक स्पेसिफिक रेडियो बटन अगर सिलेक्ट करता हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिसेक्ट हो जाता है ये एडवांटेज इस नेम प्रॉपर्टी का और मुझे रिकोगनाइज करना है कि चूंकि सारे के सारे रेडियो बटन की नेम प्रॉपर्टी सेम है मुझे ये रिकोगनाइज करना है कि एग्जैक्टली exactly कौन सा रेडियो बटन जो है वो सिलेक्टेड है एंड दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ चूजिंग आई आई एम चूजिंग इट बाय नेम बिकॉज आई वॉन्ट टू सिलेक्ट ऑल थ्री रेडियो बटन एट अ टाइम आईडी तो यूनिक होता है तो मुझे तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे इनिशियलाइज करने पड़ते तो ये मुझे करना ना पड़े एक ही लाइन में, में, में मेरा काम हो इसलिए मैं एक ही लाइन से एक ही सिंगल सिंटैक्स से या फिर एक ही सिलेक्टर से मैं सारे के सारे रेडियो बटन जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ so, यहाँ पे एक नया सिलेक्टर भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया नाउ लेट्स ट्राई एंड कलेक्ट द डेटा फ्रॉम दैट फॉर्म फॉर्म के अंदर का सारा डेटा हमें कलेक्ट करना है लेकिन ये डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है ये कब होना चाहिए जब यूजर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दे तब ओके सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू अभी इसके लिए जो इवेंट है ना वो जनरली क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल है फिर एक क्लासिक मिस्टेक हम करते हैं वो ये कि हम इस सबमिट बटन के ऊपर का क्लिक इवेंट हैंडल करते हैं सो वी यूजुअली गिव आईडी टू अ बटन वी इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द गेट इलेवेंट बाय आईडी डी सिलेक्टर और फिर उसके ऊपर हम क्लिक इवेंट जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कुछ इस तरीके से हैंडल द क्लिक इवेंट लेकिन क्लिक इवेंट हैंडल हम नहीं करने वाले उसकी जगह हम फॉर्म का सबमिट इवेंट हैंडल करेंगे नाउ द डिफरेंस बिटवीन सबमिट इवेंट ऑफ अ फॉर्म एंड क्लिक इवेंट ऑफ अ बटन इन साइड दैट फॉर्म ये मैं आपको विथ डेमो विथ एग्जाम्पल समझाता हूँ प्रैक्टिकली तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सो लेट्स बिगिन विथ अवर डेमो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो फॉर्म है तो यहां पर फॉर्म सिलेक्टर नाम का ऑब्जेक्ट रेडी है अभी इस फॉर्म सिलेक्टर नाम के ऑब्जेक्ट के ऊपर एड इवेंट लिस्टर में लगाऊंगा द फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी द इवेंट नेम जो कि हमारी केस हमारे सबमिट एंड द प्रॉपर्टी विल बी और द सेकंडमेंट विल बी अ कॉल बैक फंक्शन ओके सो इतना होने के बाद सबसे पहले इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप एक बार चेक कर लो फॉर्म uh, सबमिटेड एक बार चेक कर लो कि वेदर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट हमें सारा का सारा जो लॉजिक है <coughs> वो इसी फंक्शन के अंदर बिल्ड करना है लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ चेक करो वेदर दिस फंक्शन इज गेटिंग इन वोक्ट और नॉट तो यहां पे अगर मैं वापस चला जाओ मेरे ब्राउजर के अंदर और सिंपली क्लिक करूँ सबमिट बटन के ऊपर हैव यू ऑब्जर्व समथिंग अभी ऑब्जर्व कीजिए इस कंसोल एरिया में क्या होता है मैं वापस क्लिक करने जा रहा हूं इफ आई अगेन क्लिक ऑन द सबमिट बटन विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स फॉर्म सबमिटेड ऐसा अगर मैं बार बार क्लिक करूँ तो आपको दिखाई देगा कि फॉर्म सबमिटेड प्रिंट तो हो रहा है लेकिन बिकॉज द एंटायर वेब पेज इज गेटिंग रीलोडेड वो इमिजिएटली वैनिश हो रहा है नो वाई दिस इज हैपनिंग वी नीड टू अड्रेस दिस इशू फर्स्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सो इसका रीजन जानने के लिए फॉर अ फॉर अ वाइल लेट्स गो इन साइड अवर एस टी एम एल फाइल सी जब हम मोनोलिथिक एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं आई एम नॉट श्योर कि आपने पीएचपी uh, में अगर कुछ मोनोलिथिक एप्लीकेशन या फिर जावा uh, में एम फ्रेमवर्क इस्तेमाल करके अगर कुछ बनाया होगा या नहीं होगा लेकिन अगर आपने ऐसा छोटा मोटा काम किया है तो यू माइट बी अवेयर अबाउट एक्शन एंड मेथड प्रॉपर्टी ऑफ योर एच फॉर्म तो अक्सर होता क्या था वेन एवर यू यूज टू यूज़ मोनोलिथिक अप्रोच इंस्टेड ऑफ माइक्रो सर्विसेज एंड स्पेशली जब हम एजैक्स इस्तेमाल नहीं करते थे पूरा का पूरा जो यूजर इंटरफेस है और हमारा बैकएंड है वो एक ही रिपोजिटरी या फिर एक ही पैकेज के अंदर होता था एक ही प्रोजेक्ट के अंदर होता था तो हमारे एक्शन के अंदर जनरली हम यू आर एल देते थे ये एक बैकएंड ए का तो ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है ये सबमिट होने के बाद हमारा एंटायर वेब पेज यूज टू गेट रीडायरेक्टेड ऑन अ होल डिफरेंट यू

लेकिन इस इशू को रिजोल्व करना तो डेफिनेटली जरूरी है फॉर्म रिफ्रेश सॉरी पेज एंटर पेज जो हमारा रिफ्रेश हो रहा है उसे तो प्रिवेंट करने की जरूरत है सो so, अक्सर होता क्या है वेन एवर वी अप्लाई सर्टन इवेंट लिस्नर जैसे कि मैं अभी यहां पे इवेंट लिस्नर मैंने ऐड किया है सो so, जब हम इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं तो जिस किसी भी यूजर इंटरफेस कंपोनेंट के ऊपर वो स्पेसिफिक इवेंट ट्रिगर हुआ है उस इवेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें कॉल बैक फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली मिल जाती है फॉर एक्जाम्पल अगर मुझे इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर डिक्लेयर किया ई या फिर आप इवेंट पूरा भी नाम दे सकते हैं आई नीड अ शॉर्ट हैंड सेंटेक्स दैट्स वाई एम जस्ट क्रिएटिंग अ ई वेरिएबल तो इस ई e वेरिएबल के अंदर हमें अभी अभी जो इवेंट ट्रिगर हुआ ना उस पूरे के पूरे इवेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे कि कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट से ये इवेंट ट्रिगर हुआ है ये इवेंट कौन सा है इसका नाम क्या है इससे एसोसिएटेड कुछ फंक्शंस है क्या जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह

ये उस फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर देता है जैसे कि हमारा जिससे कि हमारा वेब पेज रिफ्रेश होना रुक जाएगा और जो ई e नाम का पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो यहां पे प्रिंट हो चुका है ओके सो हमने पहला जो प्रॉब्लम है उसे तो सॉर्ट आउट कर लिया वी हैव प्रिवेंटेड द डिफॉल्ट रिफ्रेशिंग बिहेवियर अभी अगली बारी है इस पूरे के पूरे फॉर्म के अंदर का डेटा कलेक्ट करके मुझे कंसोल के ऊपर प्रिंट करना है कंसोल के ऊपर प्रिंट क्यों करना फॉर अस फॉर आवर रेफरेंस आगे जाके हमें इस डेटा को बैकहैंड एपीआई तक भेजना है जैसे हम इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे लेकिन फिलहाल विल जस्ट प्रिंट इट ऑन द कंसोल तो उसे प्रिंट करने के लिए या फिर प्रिंट करने से पहले भी कलेक्ट करने के लिए ये जो हमने यहाँ पे सिलेक्टर्स से जो ऑब्जेक्ट इनिशलाइज किया ना ये ऑब्जेक्ट्स हमें हेल्प करेंगे अभी नेम ईमेल और फोन ये जो तीन ऑब्जेक्ट्स है इनके अंदर की वैल्यूज या फिर इनके टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर की वैल्यू पिकअप करना इट्स क्वाइट सिंपल जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है द प्रोसेस इज सिंपल नेम सिलेक्टर डॉट वैल्यू और उसके अंदर की वैल्यू मुझे यहां पे मिल जाएगी ओके इट्स नॉट अ बिग चैलेंज फॉर वो हम कभी भी कर लेंगे फिलहाल हमारे पास चैलेंज कौन सा है जेंडर का और एज का क्योंकि वो दो ऐसे इनपुट फील्ड है एक है रेडियो बटन और दूसरा है सिलेक्ट बॉक्स जिसके साथ हमने पहले कभी काम किया नहीं है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस अपॉन एज एंड जेंडर सो लेट्स स्टार्ट विद एज फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे अगर मैं सिंपली कंसोल लॉक कर दू सिलेक्टर लेट्स सी सी व्हाट आई एम गेटिंग ओके लेट्स बिकॉज जो सिलेक्टर मैंने इस्तेमाल किया है इट्स नॉट बाय आईडी इट्स बाय नेम और जेंडर इज अ सेम नेम सी नेम इज इक्वल टू जेंडर नेम इज इक्वल टू जेंडर नेम इज इक्वल टू जेंडर सारे के सारे रेडियो पर्टर्स को तीनों रेडियो पर्टर्स को एक ही मैंने कॉमन नेम दिया है लेट्स सी वॉट हैपन्स

आई नीट टू परफॉर्म इटरेशन ऑन दिट दिस एंटायर एरे जिसके अंदर तीन इलेमेंट्स हैं एंड हर एक इलेमेंट अलग अलग रेडियो बटन को रिप्रजेंट कर रहा है सो एल परफॉर्म सम इटरेशन यूजिंग अ लुप सो मैं यहाँ पे फॉर यहाँ पे फॉर ऑफ नाम का एक लुप है फॉर इच की तरह ही होता है वो और यहाँ पर मैं इटरेटर का नाम देता हूँ सपोज जेंडर ऑफ मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है जेंडर सिलेक्टर अभी इस पूरे के पूरे पूरे के पूरे जेंडर सिलेक्टर नाम के एरे के ऊपर ऑब्जेक्ट <coughs> के ऊपर मैंने लुप लगा दिया और लुप के अंदर एट द एवरी इटरेशन ऑफ लुप जितने भी लुप के इट्रेशन होंगे कितने इट्रेशन होंगे तीन क्योंकि जेंडर सिलेक्टर के अंदर तीन एलिमेंट्स है मेल वाला रेडियो बटन फीमेल वाला रेडियो बटन और अदर वाला रेडियो बटन तो ऑटोमेटिकली इस फॉर लुप के तीन इट्रेशन होंगे एंड एट एवरी इटरेशन विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू इनसाइड दिस जेंडर वेरिएबल ये जो कांस्टेंट जेंडर वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इसके अंदर हर इटरेशन पे हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी ऑब्वियसली सो लेट्स टेस्ट इट अगेन सो नाउ एट एवरी इटरेशन अलग अलग इनपुट टैग का जो रेफरेंस है वो कंसोल के ऊपर प्रिंट हो रहा है अभी हमें चेक करना है कि इन तीनों में से एग्जैक्टली exactly कौन सा रेडियो बटन चेक्ट है उसकी वैल्यू हमें दे दो तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की है वैल्यू इज इक्वल टू मेल वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल एंड वैल्यू इज इक्वल टू अदर सो टू चेक विच रेडियो बटन इज चेक्ट

मतलब जो भी एट द करंट इटरेशन हमें जो भी जेंडर मिला है मेल फीमेल वो पर्टिकुलर रेडियो वो है so, हम क्या प्रिंट करेंगे इस if के अंदर करंट इटरेशन जेंडर इज चेक्ट और अनचेक्ड इफ इट इज देन प्रिंट ओनली दैट जेंडर्स वैल्यू इग्नोर ऑल अदर वैल्यूज सिंपल सो यहाँ पे अभी वापस जाके मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा गेस वाय बिकॉज यहां पे हम चेक कर रहे हैं वेदर द जेंडर इज चेक्ड और नॉट और हमने कोई भी रेडियो बटन सिलेक्ट किया ही नहीं सो लेट मी सिलेक्ट रेडियो बटन एंड नाउ लेट मी क्लिक अप ऑन सबमिट बटन अगेन तो यहां पे फीमेल प्रिंट हो गया अगर मैं मेल के ऊपर क्लिक करूं और अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूं तो मेल प्रिंट होगा और अगर मैं अदर के ऊपर क्लिक करके सबमिट करूं तो अदर प्रिंट होगा सो वी हैव सक्सेसफुली द वैल्यू ऑफ जेंडर नाउ इट्स टाइम टू ऑप्टेन द वैल्यू ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू वन थिंग इस वैल्यू को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं सो लेट जेंडर एक वेरिएबल मैंने यहां पर डिक्लेयर कर दिया और रीनेम द वेरिएबल इज जेंडर वैल्यू या फिर जेंडर वैल ओके क्योंकि ये और ये दोनों जेंडर एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्रिएट करेंगे सो so, यहां पर मैं क्या करता हूं जेंडर वैल इज इक्वल टू जेंडर डॉट वैल्यू जो भी वैल्यू हमें मिल रही है उसे मैंने असाइन कर दिया इस जेंडर वैल नाम के वेरिएबल को लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक या ओके सो बाय द एंड ऑफ दिस फॉर लूप हमें जेंडर की वैल्यू मिल गई अभी बारी है इस एज सिलेक्टर की ओके एज सिलेक्टर क्या है एक रेफरेंस है हमारे सिलेक्ट टैग का जिसके अंदर कई सारे यहाँ पे ऑप्शन है और जो पर्टिकुलर ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा एज का उस पर्टिकुलर ऑप्शन की वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए और इसके लिए मैंने जिस सिलेक्टर का इस्तेमाल किया है उस सिलेक्टर का नाम है सिंपली गेट इलेवन बाय सॉरी गेट इलेवन बाय आई डी यहाँ पर सो लेट्स ट्राई समथिंग सो यहाँ पे मैं कंसोल लॉक के अंदर लिखता हूँ एज सिलेक्टर डॉट अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डाल दिया लेट्स एक्सपेरिमेंट कि क्या होता है सो लेट मी अगेन गो बैक टू माय फॉर्म तो यहाँ पे जीरो प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने कुछ एज सिलेक्ट ही नहीं किया है इफ़ आई नाउ सिलेक्ट द रिलीवेंट एज एंड क्लिक अपऑन सबमिट बटन जैसे कि आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक एज यहां पे सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है ठीक है सो so, हमने दो जो हमारे हमारे पास चैलेंजेस थे रेडियो बटन स्पेसिफिक रेडियो बटन की वैल्यू कलेक्ट करना और स्पेसिफिक सिलेक्ट बॉक्स की स्पेसिफिक ऑप्शन की वैल्यू सेलेक्ट करना या फिर कलेक्ट करना वो हमारे अभी जो हर्डल्स है जो प्रॉब्लम्स है जो चैलेंजेस है वो अभी सॉर्ट आउट हो चुके हैं नाउ देर इज ओनली वन लास्ट थिंग रिमेनिंग कि एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना जिसके अंदर हम ये सारे नेम ईमेल, फोन जेंडर एज के वैल्यू बाइंड कर दे और वो सिंगल ऑब्जेक्ट हम प्रिंट कर दे सो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट लेट यूजर डेटा इज इक्वल टू अ पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स इन पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं कुछ कीज बनाऊंगा फुल अंडर स्कोर नेम कोलन देन ई मेल कोलन फोन कोलन कॉमा मैं कॉमा देते जा रहा हूं न जेंडर कोलन एंड फाइनली एज कोलन अभी फुल नेम की वैल्यू कोलन के बाद हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे व्हाट डूल इज द वैल्यू नेम सिलेक्टर डॉट वैल्यू बिकॉज दिस नेम सिलेक्टर इज अ रेफरेंस ऑफ आवर फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड डॉट वैल्यू इज गोइंग टू रिटर्न अज द वैल्यू दैट यूजर हैज इंसर्टेड इन साइड द टेक्सट बॉक्स तो वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी और वो इस फुल नेम की के साथ बाइंड हो जाएगी सेम चीज हम दोहराते हैं ई और फोन के लिए भी यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा ई मेल सिलेक्टर डॉट वैल्यू सो लाइन नंबर 19 टू लाइन नंबर 25 के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है फाइनल ऑब्जेक्ट है वो कंपोज हो रहा है एंड फाइनली द फोन सिलेक्टर डॉट वैल्यू अभी यहां पे मैं जेंडर सिलेक्टर डॉट वैल्यू नहीं लिखूंगा क्यों कि जेंडर सिलेक्टर एक सिंगल रेफरेंस नहीं है हमारे रेडियो बटन की तरफ उसे हमने यहां पे सिंप्लीफाई किया है स्पेसिफिक वैल्यू जो है जो भी रेडियो बटन सिलेक्ट हुआ है उसी रेडियो बटन की वैल्यू हम यहां पे ऑलरेडी गैदर कर रहे हैं पिक कर रहे हैं लाइन नंबर फिफ्टीन के ऊपर तो ये मैंने यहां पे डाल दी जेंडर वैल्यू जो मैंने कलेक्ट की थी एंड एज सिलेक्टर इज अ करेक्ट रेफरेंस आई यूज एज सिलेक्टर डॉट वैल्यू बट मी इरेज दिस कंसोल लॉग और एट द एंड हम क्या करेंगे ये जो पूरा का पूरा यूजर डेटा हमारा फॉर्म हुआ है इस यूजर डेटा को एट वंस हम प्रिंट कर देंगे नो लेट्स टेस्ट इट सो लेट मी एड सम रियल डेटा माई नेम ईमेल आई इज फेक ओके एंड लेट मी सिलेक्ट माई जेंडर लेट मी सिलेक्ट माई एज एंड लेट्स क्लिक अपऑन सबमिट बटन सो एज यू कैन सी द एंटायर ऑब्जेक्ट हैज बीन सक्सेसफुली प्रिंटेड ऑन द फॉर्म के सबमिट इवेंट को हैंडल करके फॉर्म के अंदर का सारा डेटा कलेक्ट करके उसे प्रिंट करने के बाद हम सभी के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि वी वी आर आर यूजिंग यूजिंग फॉर्म्स सबमिट इवेंट इवेंट नॉट सिंपली द क्लिक मतलब इस बटन के ऊपर क्लिक करके जैसे हमने पहले वीडियो में किया था तो बटन के ऊपर क्लिक करके भी हम क्लिक इवेंट यहां पे हैंडल करके सेम चीज कर सकते हैं और वहां पे तो प्रिवेंट डिफॉल्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं इस बटन को टाइप सबमिट की जगह टाइप बटन लिख दू तो ऑटोमेटिकली ये जो सबमिट बटन है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है फॉर्मिट रिफ्रेश होना फॉर्म के ऊपर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा वेब पेज रिफ्रेश होना ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है सो वाई एम नॉट यूजिंग द क्लिक इवेंट ऑफ बटन एंड वाई आई एम यूजिंग द सबमिट इवेंट ऑफ फॉर्म दैट्स द क्वेश्चन अगेन प्रैक्टिकली समझते हैं सो so मैं रिस्टोर करता हूं यहां पे की वैल्यू सबमिट अगेन और यहां पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वाई सबमिट इवेंट इज इंपॉर्टेंट तो सबमिट इवेंट पहले तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था थो थोड़ी देर पहले कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन में सबमिट इवेंट से ऑटोमेटिकली जो हमारा फॉर्म है वो गिवन यू के ऊपर पूरा का पूरा डेटा पोस्ट मेथड से भेज देता है दैट लेट्स कीप दैट पर्टिकुलर एडवांटेज असाइड मैं एल फाइव का एक फॉर्म वैलिडेशन नाम का एक आपको फीचर दिखाता हूं सो सपोज देर इज अ इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहां पे अगर मान लो मुझे ये फील्ड कंपल्सरी रखना है फिलहाल क्या होता है यहां पे अगर मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दू तो विथ ब्लैंक वैल्यूज मेरा पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट हो रहा है हाउ टू प्रिवेंट दिस हाउ टू अप्लाई सर्टन वैलिडेशन ऑन द फॉर्म और मैं मैन्यूल वैलिडेशन की बात नहीं कर रहा देर आर सर्टन बिल्टन वैलिडेशन देर इन एच टी एम एल फाइव सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट मान लो कि अगर मुझे इस इनपुट टाइप मतलब जो टेक्स्ट है जो फुल नेम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको मुझे कंपलसरी फील्ड बनाना है तो मैं सिंपली यहां पे ऐड कर दूंगा रिक्वायर्ड नाम का एक प्रॉपर्टी ओके जैसे ही मैंने यहां पर रिक्वायर्ड नाम का प्रॉपर्टी ऐड कर दिया अगर मैं वापस ब्राउजर के अंदर जाके सबमिट के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करने की कोशिश करूं तो मुझे वहां पर एक अलर्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली बताएगा प्लीज फील आउट दिस फील्ड इज इट अमेजिंग अगर यहाँ पे मुझे ईमेल है चलो अभी मैं यहाँ पे सपोज कुछ नाम डालता हूँ मेरा और ईमेल के अंदर एक गलत ईमेल आईडी आई डी यहाँ पर डाल देता हूँ अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे प्लीज इंक्लूड देखा आपने क्या आया अभी यहाँ पे प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट इन द ई मेल एड्रेस एस एस सागर इज मिसिंग एन एट द रेट मतलब क्या ऑटोमेटिकली इसने ई मेल को भी वैलिडेट कर दिया बिकॉज मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप क्या इस्तेमाल किया है ई मेल अगर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट इस्तेमाल करता तो ये वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करता सिर्फ पहला वैलिडेशन से परफॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड फील्ड लिखा है यहाँ पे लेकिन अगर मैं ईमेल के अंदर कोई भी वैल्यू डाल दूँ विच इज़ नॉट अ करेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ ईमेल और अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूँ चल जाएगा मेरा एप्लीकेशन देर इज़ नो प्रॉब्लम लेकिन अगर मैं यहाँ पे वापस टाइप ई कर दूँ तो वो नेसेसरी वैलिडेशन से वो अप्लाई कर देगा सेम फॉर नंबर इनपुट टाइप नंबर यहाँ पे नंबर फील्ड के अंदर में कोई भी देखो अल्फाबेट्स टाइप नहीं कर पा रहा आई हैव टू ओनली इनपुट नंबर्स एंड नंबर्स नॉट इवन अ स्पेशल कैरेक्टर वो नहीं चलता सो ये एस टी एम एल फाइव के जो बिल्ट इन फॉर्म वेलीडेशन के फीचर्स है इसके लिए भी ये जो सबमिट इवेंट है वो इंपॉर्टेंट है अगर मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है अगर मैंने यहाँ पे टाइप ई मेल लिखा है और अगर मैं इस बटन को सबमिट बटन के बजाय अगर मैं एक सिंपल इनपुट टाइप और बटन टाइप बटन यहाँ पे डिक्लेयर करके अगर मैं फॉर्म के सबमिट इवेंट की जगह बटन का क्लिक इवेंट हैंडल करूं तो ये सारे जो वैलिडेशन है ये अप्लाई ही नहीं होंगे सो दिस इज द अनदर रीजन वाई द फॉर्म वैलिडेशन सॉरी वाई द सबमिट इवेंट और वाई हैंडलिंग द सबमिट इवेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट